a wristwatch is running 12 minutes late on sunday noon it's 16 minutes ahead of the correct time at 12 noon on the next sunday when is the clock 8 minutes ahead of the time okay Dekho. kisses sunday 12 p.m क्लॉक अपने करेक्ट टाइम से ट्वेल्व मिनट लेट था ठीक है वन वीक बाद यह क्लॉक अपने करेक्ट टाइम से सिक्सटीन मिनट अहेड है दैट इंप्लाई कुछ इस तरह से ठीक है तो so, इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है यहां पे ट्वेल्व मिनट लेट और यहां पे सिक्सटीन मिनट अहेड सो ऑब्वियस बात है ये ट्वेंटी एट मिनट का क्या है गैप है ठीक है और ट्वेंटी एट मिनट का गैप कितने में क्रिएट हुआ है ट्वेंटी एट मिनट के गैप को क्रिएट करने के लिए क्लॉक ने लिया है टोटल टोटल सेवन डेज दैट इंप्लाई ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आवर्स क्लियर है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हेन इज द क्लॉक एट मिनट्स अहेड ऑफ द टाइम सो एट मिनट्स अहेड ऑफ द टाइम होने का क्या मतलब है यहाँ पे 16 मिनट अहेड था ठीक है और 12 मिनट लेट अगर ये एट मिनट अहेड है सेशन हो सो ऑब्वियस बात है यहाँ पे ट्वेल्व मिनट तो सो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में ट्वेंटी मिनट का गैप कितने दिन में क्रिएट हो जाएगा या कितने समय में क्रिएट हो जाएगा क्लियर है तो यहां से आप अगर देखोगे 28 मिनट्स का गैप कितने में क्रिएट होता है 24 फोर इंटू सेवन आवर्स में सो वन मिनट का गैप कितने में क्रिएट होगा 24 फोर इंटू सेवन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 28 एट so सो यहाँ से 20 मिनट्स का गैप कितने में क्रिएट होगा 24 फोर इंटू सेवन इंटू ट्वेंटी और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये 28 ये सेवन से ये फोर फोर से ये फाइव That इम्प्लाई ट्वेंटी फोर इंटू फाइव आवर्स ठीक है दैट imply सिंपली ये फाइव डेज तो यहां से फाइव डेज कौन सा आएगा संडे से फाइव डेज दैट imply फ्राइडे नून में आएगा सो so, हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी